आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जिसको सुनने के बाद आपको इस फील्ड में काम करने का मन करेगा। यहां लिटरली पागलों की भर्ती होती है। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, मेरा नाम योगेश दुबे और आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्रेन वाणी चैनल में, जहां बातें होती हैं पॉजिटिविटी की, मोटिवेशन की, क्रिएटिविटी की। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिविटी के बारे में। लेकिन इससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए आने वाले हैं जो वाकई में आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में समवेयर वो हेल्प कर सकती हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिविटी के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पागल कहलाने में शान बढ़ती है। एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे चाहते हैं एजेंसीज में काम करना, क्रिएटिविटी की फील्ड में काम करना, उनके लिए वीडियो आखिरी तक देखना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें ऐसी छोटी छोटी बारीकियां बताने वाला हूं जो अगर उनके अंदर वो है तो वो उसे आइडेंटिफाई करके लेकर आ सकते हैं और इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था क्रिएटिविटी के बारे में, पागलपन के बारे में। इस फील्ड में जो लोग अपने अंदर का पागलपन ज़्यादा दिखाते हैं उनका एक्चुअली सम्मान बढ़ता है, उनका प्रमोशन भी होता है। ये लोग क्रेजी होते हैं, ये बेसिकली ये दीवाने होते हैं और दीवानों को ही पागल कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि एजेंसीज में दो तरह के पागल लोग होते हैं। एक वो जो लिखता है, जिस तरह से मैं भी एक राइटर था और इंडिया की टॉप एजेंसीज में मैंने भी काम किया है, एक पागल मैं भी हूँ आपके सामने। एक वो है जो लिखते हैं और लिखकर अपने आइडियाज़ को बताते हैं दुनिया को, और जिन्हें राइटर्स कहा जाता है। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं विजुलाइजर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, जो अपनी डिज़ाइन और आर्ट्स और आइडियाज़ के थ्रू दुनिया को आकर्षित करते हैं। अब बात यह आती है कि इन्हें मैड क्यों कहा जाता है? भैया क्यों मैड कहते हुए हैं? इनके जो काम करने के तौर तरीके होते हैं, इसके कारण इन्हें मैड करार कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, क्योंकि ये आइडिया सोचते हैं। और भाई, आइडिया शर्मा जी की फाइल तो है नहीं ना, जो 9 to 5 जॉब के बीच में आएगी और साइन करके दे दोगे आप, हो जाएगा। आइडियाज हैं, रात को 2 बजे भी आ सकते हैं। आप लघु शंका के लिए उठे हो 2:30 बजे और आपको कुछ आइडिया आ गया, आप लिखने बैठ जाओगे। टॉयलेट में आइडिया आ गया, आप टॉयलेट में लिखने बैठ जाओगे, आप सोचने लगोगे कुछ ना कुछ। ज़्यादातर मेरे जो आर्ट डायरेक्टर्स फ्रेंड्स हैं, उनका यह कहना है कि उनके बाथरूम में ना इलस्ट्रेशन बने हुए हैं, तो उनके आइडिया आ गए वहीं वो बना देते हैं। राइटर्स लोग कॉपी लिख देते हैं, आइडिया पार्क में घूमते हुए, नहाते हुए, पूजा करते हुए, इबादत करते हुए, सोने से पहले कई लोग आइडिया सोच लेते हैं। तो आइडियाज हैं, कभी भी आता है, इनका काम 9 to 5 नहीं होता, इनका काम 24/7 चलता रहता है। अब ऐसे निशाचर लोगों को सभ्य सोसाइटी पागल ही कहेगी ना। इनको पागल एक्चुअली घर से ही कह दिया जाता है, क्योंकि ये सबकी नज़रों में ऐसे ही होते हैं कि यार नहीं, ये तो इनका काम तो भाई हमारे समझ से बाहर है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, तो लोगों की राय तो ऐसी ही होगी। दूसरी बात है कि जो एड एजेंसीज होती हैं, क्रिएटिव एजेंसीज होती हैं, वो क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत ध्यान रखती है। उनके लिए ऐसे ऐसे इंतज़ाम करती है जो बाकी ऑफिसेज में आपको नहीं मिलेंगे। जो मैं यहाँ बता सकता हूँ वही बताऊँगा, बाकी के हिडन बातें हैं जो आपको एजेंसी में ज्वाइन करने के बाद ही समझ में आएंगी कि ओ ऐसा भी कुछ होता है यहाँ। एड एजेंसीज में जो क्यूबिकल्स होते हैं ऑफिसेज के अंदर, वहाँ भी होते हैं क्यूबिकल्स, कैबिन्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है कि भाई स्मोकिंग जोन बड़ा हो, थोड़ा बैठने लायक हो अच्छे से, क्योंकि ज़्यादातर क्रिएटिव इंसान का टाइम स्मोकिंग जोन में ही जाता है, या तो वो कॉफ़ी पीता रहेगा या स्मोक करता रहेगा। मैं यहाँ बिल्कुल भी स्मोक करने के लिए एनकरेज नहीं कर रहा हूँ किसी को। स्मोकिंग जोन का मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग जोन होता है, जहाँ वो लोग मंथन करते हैं विचारों का, एक दूसरे से बात करते हैं और आइडियाज लेकर आते हैं। दे कॉल इट स्मोकिंग जोन, स्मोक भी कर सकते हो आप वहाँ पर, लेकिन आई स्ट्रिक्टली से प्लीज स्टॉप स्मोकिंग इफ यू आर डूइंग इट। बीन बैग्स होते हैं, आपको और किसी ऑफिस में नहीं मिलेंगे, छोड़ दीजिए गूगल की बात, लेकिन एजेंसीज में इस तरह की चीज़ होती हैं। बीन बैग्स होते हैं, बड़े बड़े काउचेस होते हैं जहाँ आप सो जाओ, आप
लिटरली आप सोकर वहाँ आइडिया सोच सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। दूसरे वहाँ पर रात रुकने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम एजेंसी में आप जब काम करते हो तो मैक्सिमम टाइम आपको वहाँ गुजारना पड़ता है। कोई कैंपेन आ गया तो आपको 3, 4, 6, 2-2 दिन तक घर नहीं जाते हो आप। हम तो ये करते थे कि लिटरली अपने बैग्स भर लेते थे, जब मालूम है कि कैंपेन पे काम हो रहा है ठीक है शाम को आना है, लेकिन फिर भी बैग में 2 कपड़े तो रख कर लेकर जाना है, क्योंकि पता नहीं कल भी आपको रुकना पड़ेगा, रात भर रुकना पड़ेगा, दूसरे दिन भी काम करना पड़ेगा, तो आपके पास से बदबू ना आए, तो एटलीस्ट आप वहाँ पर कपड़े चेंज कर सकते हो। सो ऑफकोर्स आप रात में रुकने के लिए वहाँ पर आपके लिए बेड वगैरह भी दे दिया जाता है, मिल जाता है वहाँ पर मैक्सिमम एजेंसीज के अंदर। दूसरा जब आप रुक रहे हो तो बाथरूम्स भी होती हैं, आप वहाँ पर फ्रेश भी हो सकते हो। सो ये इंतज़ाम होते हैं। सो बेसिकली ये कहते हैं ना कि आपका घर बार बार दुनियादारी सब कुछ आपका ऑफिस बन जाता है। सो ये वही कर सकता है जिसमें वो पागलपन होता है, वो क्रिएटिविटी का कीड़ा होता है, ये वही लोग कर सकते हैं। और ऐसा मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, एनीबडी कैन थिंक आइडियाज, और वो पागलपन लेकर आने की उसके अंदर काबिलियत होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो एजेंसी में जिस तरह से लोग काम करते हैं और उनकी जिस तरह से आदत हो जाती है काम करने की, सो वो दिन रात कुछ नहीं देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो मेरा तो जॉब का टाइम खत्म हो चुका है और मैं सोचना बंद कर दूँ, मैं कुछ लिखना बंद कर दूँ, वो नहीं होते हैं, बिकॉज वो क्रिएटिविटी होते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है। सो इनकमिंग वीडियोज़ में वो लेकर आऊँगा कि आइडियाज़ कैसे आते हैं, क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से वो लोग सोचते हैं आइडियाज़। जिस तरह से आपने ऐड जो आप टीवी पर देखते हो और उसको देखने के बाद आप भी बोलते हो कि वाओ कैसे सोचा होगा, जूजू कैसे बना होगा, सेंटर फ्रेश जुबान पर कैसे लगा दी, वो आइडियाज़ कैसे सोचे होंगे, चल मैं ले लूँ ना, फेविकॉल के एड्स जो आते हैं कैसे सोचते हैं वो लोग, कौन है वो लोग, कहाँ से सोचते हैं, ये मेरे आगे के वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और कुछ स्टोरीज हैं जो जिन क्रिएटिव लोगों की मैं जानता हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इन कमिंग वीडियोस। तो वापस हम आ जाते हैं कि ये जो मैड लोग होते हैं और क्या क्या करते हैं। रेगुलर ऑफिस में ये होता है कि भाई आपको इन कर देना है, आप अंदर जाकर बैठ गए हो, आपको पूरे टाइम ऑफिस में रहना है, आपको कुछ काम करना है। वर्सेस जो क्रिएटिव एजेंसीज होती हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, उनको ज़रूरी नहीं होता है कि वो ऑफिस में ही बैठे हैं, वो मरीन ड्राइव पर वॉक करने भी जा सकते हैं, जैसे हम जाया करते थे। और ज़रूरी नहीं है कि उन्हें यू नो ऑफिस की चेयर के ऊपर बैठना है और बस लैपटॉप के सामने काम करना है। दे आर अलाउड टू गो इन गार्डन्स, बेंच पर बैठ गए, वहाँ सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, स्क्रबिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, उन्हें परमिशन होती है ये सब करने की। तो दोस्तों ये थी उन मैड लोगों के आसपास की चीज़ें और उन्हें क्यों मैड कहा जाता है, किस तरह के दो मैड लोग होते हैं एजेंसीज के अंदर, हमने इस बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वाकई में पसंद आया तो इसे थम्सअप देकर मुझे बताएं और कमेंट करें, अगर जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और फिर आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।